हम हाजिर हैं एक वीडियो लेकर, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम इस लेक्चर में वर्क के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, है ना। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हमने मोशन पढ़ा था, जब हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तब हमने कहा था कि फोर्स क्या है, फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशन। फोर्स क्या है, मोशन की वजह है, कॉज है, फोर्स होगा तभी मोशन है, है ना। बिना फोर्स अप्लाई किए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन नहीं कर सकता। आज हम पढ़ेंगे कि वर्क डन क्या है, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि काम है, काम है, काम करना है, काम करना है, है ना। तो काम सोशली, किसको काम, सोशल लैंग्वेज में काम करना क्या होगा, और फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में काम करना क्या होगा, उसमें डिफरेंस। अगर कोई वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है जी आपका वर्क डन, ठीक है। आपने फोर्स लगाया है और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है तो कोई वर्क डन नहीं है। आप बैठकर एक ही जगह पे एक घंटे तक पढ़ते जा रहे हैं, आपके मसल्स वगैरह काम कर रहे हैं, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वो काम नहीं है। एक आदमी अपने सर पर जो है घास की जो है गट्ठर लेकर खड़ा है और घंटों खड़ा है, हाँ उसके मसल्स तो वर्क कर रहे हैं, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वो वर्क नहीं कर रहे। वर्क करना कब होगा, वर्क करना तब होगा जब क्या होगा, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। आइए अब देखते हैं। तो वर्क को हमने अभी डिफाइन कर लिया, कैसे डिफाइन कर लिया कि ये क्या है, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के दौरान, है ना, मोशन के पीरियड में, मोशन के दौरान उस पर कितना फोर्स लग रहा है और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन कहलाता है आपका वर्क डन, है ना। इसलिए हमने लिखा है कि डब्ल्यू एफ इनटू एस, डिस्प्लेसमेंट को हम कभी एस से कभी डी से तो रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूजुअली हम इसको एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब देखिए, क्या हम फिर इसकी यूनिट की बात कर रहे थे कि भाई फोर्स का यूनिट भी पता है हमें, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी पता है हमें, तो हम कहेंगे वर्क डन का यूनिट क्या होगा, तो वर्क डन का यूनिट ये होगा जी, है ना, वर्क डन का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। क्यों, देखिए क्यों होगा उसकी बात करते हैं। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, एस से कंफ्यूज नहीं होना, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस यहां सेकंड नहीं है जी, डिस्प्लेसमेंट है, है ना। तो एस का मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसलिए इसका यूनिट हमने कहा है न्यूटन मीटर। लेकिन इसको जूल ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए जूल के ऑनर में हम वर्क का यूनिट जूल लिखते हैं, है ना, जूल के ऑनर में, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उस साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम इसका यूनिट क्या लिखते हैं, हम इसका यूनिट जूल लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये यूनिट हो गया जी न्यूटन मीटर। अब हम अगर दूसरे यूनिट से करें, जब हम दूसरे मेजरमेंट्स का यूज करते हुए हम यूनिट निकालते हैं, कि हम बात करते हैं कि जब वर्क डन है हमारा, तो वर्क डन है क्या, F इंटू एस, तो F को हम लिख सकते हैं M इंटू ए और इंटू एस, है ना। फिर हमने M का यूनिट क्या होता है जी, मास का यूनिट होता है केजी, वो लिखा है हमने, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिखा है हमने। अब कंबाइंडली हम अगर इस तरह से इसका यूनिट निकालना चाह रहे हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो वो होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बराबर बोलते हैं एक जूल के, मतलब एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक जूल, एज इट इज। जैसे हमने फोर्स का निकाला था यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन तो था, लेकिन 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। वो कैसे था, वो ऐसे था कि फोर्स को हम लिख रहे हैं एम इंटू ए, मास का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे हमने कहा कि इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने 1 जूल के बराबर जो है माना है, है ना। अब देखिए, हम 1 जूल को, अगर कोई कहे कि भाई 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 जूल को हमने कैसे डिफाइन करना है वो देखते हैं जी, है ना। कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो 1 मीटर ट्रेवल करती है, है ना, 1 मीटर ट्रेवल करता है, इन द सेंस 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है, और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर होता है,
ठीक है, तो उसके उससे क्या हुआ, जो वर्क होगा उसके द्वारा, जो क्या हुआ वर्क होगा, जो उसका वर्क होगा उससे क्या हुआ वर्क क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे इसको, F into S लिखेंगे ना, F क्या है आपका 1 न्यूटन, S क्या है आपका, S मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 1 मीटर, है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1 न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को जूल के अंदर में हमने जूल बोला है ना, तो ये 1 जूल हो गया। तो हम ऐसे 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 क्या कर सकते हैं, ऐसे हम 1 जूल वर्क को डिफाइन कर सकते, कि हम कब कहेंगे कि 1 जूल का वर्क हो रहा है, तो हम तब कहेंगे 1 जूल का वर्क हो रहा है जब उस पे, उस ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, है ना। तो हमने बात की किसकी, उसके यूनिट की, हमने उसको डिफाइन किया। अच्छा, और देखते हैं जी कि हाँ, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, जैसे फोर्स अप्लाइड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम इस सेंस में कहते हैं कि ऐसा नहीं, हाँ इस सेंस में कहते हैं हम कि हम ऑब्जेक्ट को फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को मोशन दे रहे हैं या उसके मोशन को स्टॉप कर रहे हैं। अगर हम हमारे हमसे हमसे लगाया हुआ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ फोर्स उसको मोशन दे रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, उसको मोशन दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या कि वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स जो है, उस पे लगने वाला फोर्स क्या है, वो पॉजिटिव है ना। ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है जी, कि आप उसको मोशन कराने के लिए फोर्स दे रहे हैं या उसके मोशन को कम करने के लिए फोर्स दे रहे हैं, है ना। अगर आप उसमें मोशन कराने के लिए फोर्स दे रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई तो आप दोनों केस में कर रहे हैं जी, किसी को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स लगा रहे हैं, किसी को मूव कराने के लिए भी फोर्स लगा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप मूव कराने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मोशन को बढ़ाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका वर्क डन तब जो वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं, मोशन को कम करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं आप, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें जो ऑलरेडी मोशन है, मतलब उसमें जो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, उसको आप कम करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा जी, वो नेगेटिव फोर्स कहलाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा, है ना। हमने देखिए अच्छी खासी बात कर ली अपनी वर्क की डेफिनेशन में, है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसा ही यूनिट्स हैं कि किस वर्क, हाँ कौन से क्वांटिटी को किस में हम मेजर करते हैं, है ना। तो अभी जो ऐसा ही यूनिट है हमारी, वो ये चलती है जी MKS, कि लेंथ को, मास को हम केजी में मेजर करेंगे, है ना, सॉरी मास को हम केजी में मेजर करेंगे, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, है ना, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। इससे पहले भी यूनिट्स थे, FPS थे और CGS थे। FPS था कि हम डिस्टेंस को फुट में मेजर कर रहे थे, वेट को हम पाउंड में मेजर कर रहे थे और टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे थे। इससे पहले था कि CGS सिस्टम, जिसमें हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे थे, ठीक है जी। आइए अब इसको एक क्वेश्चन के एग्जांपल से समझते हैं, है ना, कि क्या होता है वर्क डन, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, थोड़ी सी बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी जो हम पे फोर्स लगा रही है, मतलब जो अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है ना, वो क्या है जी, वो हमारे मास की वजह से है और वो क्या कर रहा है, एक एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उस एक्सेलरेशन को हमने जी बोला है, ठीक है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। कि एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं जी, हम एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सर, इससे हमें समझ में आएगा कि क्या होता है वर्क डन। अब मैं आपसे कहता हूं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F इनटू S, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन यहां है जी, क्वेश्चन यहां है, ये देखिए, ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, ठीक है, कि उसका मास 1 केजी है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो उस पे उसको हमने क्या किया जी, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये समझिए कि 1.5 मीटर की हाइट से हमने उसको नीचे गिराया है, ठीक है। 1.5 मीटर, सपोज आप किसी रूफ पे चले गए, वहां से आपने ऑब्जेक्ट को गिराया है ना,
किसी हाइट पे वहां से आपने ऑब्जेक्ट को गिराया है, तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, साइड ऊपर से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, वो नीचे गिरा है और उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रहे, तो अब ये एफ इंटू एस होगा, और ये एफ क्या है आपका एम जी है ना, मास इंटू जी, जी की वैल्यू क्या है जी, जी की वैल्यू 9.8 अज्यूम की गई है ना, और किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फोर्स से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अब ये हो जाएगा एम जी इंटू एस, एम जी क्या जी, एम जी देखिए मास क्या है इसका 1 kg, और जी की वैल्यू हमने कितनी ली है जी 9.8, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है जी 1.5 मीटर है ना। अच्छा जी को कभी कभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं जी है ना, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए है ना, तो आप देखिए अगर हम इसको 10 अज्यूम कर लेते हैं तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा हमारा, ये हो गया जी 15। अब 15 क्या, 15 जूल हो गया, क्योंकि यूनिट किसमें थे, मीटर में ही थे, एसआई यूनिट में थे ना, ये मीटर में थे, ये केजी में थे, तो कैलकुलेशन ज्यादा हमें करनी नहीं पड़ी। चलिए जी, तो ये था हमारा क्या वर्क डन, तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।